देव Thank you.
फर्स्ट सर्विस थी दिव्या की, हम सब उसी में आए थे एक्चुअली, उसकी मामा और भाई को सपोर्ट करने। एंड दिव्या बहुत अच्छी लड़की थी, सॉरी बहुत अच्छी लड़की थी दिव्या। इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन, वी डोंट नो अचानक से क्या हो गया, शी वॉज नॉट कीपिंग वेल, उसकी हेल्थ भी ख़राब थी और कोविड की वजह से एवरीथिंग जस्ट केम टू अ टॉस। लेकिन स्ट्रेस्ड भी बहुत थी वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, बट आई एम वेरी श्योर कि अब वो जहाँ है बहुत ही, शी इज़ हैप्पी नाउ। एंड आई रियली विश कि मी हर सोल रेस्ट इन पीस, एंड ऑल माई कंडोलेंसेस टू हर फैमिली, उसके मम्मा और भाई को। आई मेट देम, दैट्स इट, थैंक यू। या दिव्या वॉज लाइक सिस्टर टू मी, और इस इंडस्ट्री में मुझे शायद वही एक थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, और मुझे इस इंडस्ट्री में लाने वाली दिव्या है, मुझे मुंबई में लाने वाली दिव्या है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, आई डोंट बिलीव कि आज शी इज़ नो मोर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बस यही कहूँगा। आई कॉन्ट फाइंड अ फ्रेंड लाइक हर, बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की थी, थैंक यू। दिव्या मेरी बहन जैसी थी। पहला शो मैंने उसके साथ किया था, प्रीतो मेरा पहला शो उसके साथ था, और पहले दिन से हम बहुत ही अच्छे दोस्त और भाई बहन वाला रिश्ता हो गया था। मेरे पास तब गाड़ी नहीं होती थी, तो उसने मुझसे बोला था कि पवई से तो अंधेरी कैसे आएगा, अच्छा मेरे साथ बैठ जा, मैं तेरे को ड्रॉप कर देती हूँ। तब से मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो मुझे बताती थी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं उसे बताता था। धीरे धीरे मैंने भी ग्रोथ करनी शुरू की इंडस्ट्री में, वो बहुत खुश होती थी जब मैं उसे बताता था। वो जब इस घटिया इंसान से शादी हुई उसकी, गगन से, तो मैं उसको बोलता था ये इंसान ठीक नहीं है दिव्या, तो कहती थी मैं प्यार करती हूँ, मैं इसे ठीक कर दूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इसे इतना मारता था, इतना उसे टॉर्चर करता था। वो इंसान जहाँ भी हो ना, उसे छोड़ना नहीं, उसे मरना ही पड़ेगा, उसे छोड़ना नहीं कहीं। थैंक यू। नमस्कार, मैं दिशा पारे, और आज दिव्या दीदी से मैंने एक शो किया था उनके साथ में, और हमेशा से उनसे बहनों वाली फीलिंग रहती थी। वो मतलब आज वो मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो है ही नहीं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर की थी, हर बार मैंने उन्हें सब कुछ समझाया, और मैं हमेशा उनके साथ में रहती थी कि दीदी आप प्लीज़ अपना डिसीजन चेंज कर लो, बदल जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कुछ भगवान कुछ अलग ही था। बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा, हमेशा सजना संवरना, हमेशा खुश रहती थी, हर टाइम मस्ती रहती थी, सेट पे भी हमेशा मस्ती करती थी, कुछ भी बोलो उसको नाराज़ होती थी लेकिन सबको मनाने आ जाती थी हमेशा सेट पे। बहुत मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ ढूँढूँ उनको और कैसे। बस ये कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और इट हैज़ बीन अ वेरी पेनफुल वीक फॉर मी। दिव्या वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट फ्रेंड्स इन मुंबई। ये रिश्ता से नंदिनी और गुलाबों की जर्नी आप लोगों ने सब ने देखी थी, पर ऐसे फिनिश हो ही नहीं पता था। वो बहुत ही प्योर सोल थी, सबकी हेल्प करती थी, और जब जब मैं उसके घर गई हूँ उसको देखा है, कोई ना कोई नए पर्सन की हेल्प करती थी, वो शेल्टर देती थी, और ऐसी बंदी के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए था। शी डिज़र्व टू लिव मोर, एंड आई जस्ट विश वो जहाँ पर भी है बस पीसफुल रहे और अपने पापा के पास खुश रहे। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, लव यू दिव्या।